मेरा सेकंड प्रोग्राम है जहां हम एक भूमि पूजन कर रहे हैं अक्षय पात्र का. अभी 15 दिन पहले छिंदवाड़ा में हमने इसी तरह का एक कार्यक्रम किया था. वहां पर चूंकि छोटा शहर है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा किचन चालू हमने उसकी आधारशिला रखी है. करीब 7-8 हज़ार लंचेस पर डे की. भोपाल चूंकि बड़ा शहर है, यहां पर हमने 921 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में यहां से, जहां प्रतिदिन करीब करीब 50,000 लंच बनेंगे और 10, 10:30, 11 बजे के पहले पहले सर्व हो जाएंगे. इसकी नींव हमने करीब 2.25 साल पहले रखी थी, जब मुझे पहला पहल मौका मिला अक्षय पात्र से मिलने का. और इन्होंने मुझे एक इनका ब्रोशर दिखाया जिसमें इंडिया का एक बड़ा मैप था और मध्य प्रदेश के अलावा हर स्टेट में इनके कम से कम एक किचन जरूर थे. छोटे छोटे स्टेट में भी, कश्मीर, सिक्किम, असम जैसी जगह में भी एक किचन था इनका. मध्य प्रदेश सिर्फ एक ऐसा स्टेट था जहां पर एकदम ब्लैंक था, कोई किचन नहीं था. तो उससे मुझे बहुत अचंभा हुआ और मैंने उनको उसी समय कहा कि यदि हम इसमें आपकी सहायता करें, इसमें जो भी खर्चा होगा, जो भी रुपए लगेंगे वो हम लगाएंगे, तो आप लगा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने 12-14 साल पहले भी सुना था, 12-14 साल पहले भी हमारे पास आपके जैसे एक सज्जन आए थे पर ये काम हुआ नहीं, तो हम तो बहुत खुशी से करेंगे. मध्य प्रदेश यहाँ का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है. तो यहाँ से ये बात चालू हुई और इसमें तरह तरह की बाधाएं आई, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आए, कई अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं. सब करते करते करीब 6 महीने पहले हमें सारे अप्रूवल्स मिले और उस समय हमने इनके जो वाइस चेयरमैन है बैंगलोर में, अक्षय पात्र हरे राम हरे कृष्ण का यूनिट है, तो चंचल पति जी यहाँ बैठे हैं, ये इनके वाइस चेयरमैन बैंगलोर से आते हैं. इन्होंने कहा कि भाई इसका जो MOU है ये हमको CM के साथ साइन करना है, हमको उनका कमिटमेंट चाहिए, उनके सामने साइन होगा तो कई चीज़ें बहुत आराम से आगे निकल जाएंगी. हम लोगों ने उनसे समय मांगा, उन्होंने हमको शाम को 6:30-7 बजे का समय दिया और हम लोगों ने करीब 9 बजे की फ्लाइट बुक कर रखी थी. मैं दिल्ली जा रहा था, ये बैंगलोर जा रहे थे. हमें इतना अंदाज नहीं था, जैसे नॉर्मल MOU साइन करते हैं, चले जाते हैं, 15-20 मिनट में MOU साइन हो जाता है, कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं. पर ये मीटिंग हमारी 1.5 घंटे चली. जब अक्षय पात्र ने अपना प्रेजेंटेशन किया कि हम 19 लाख लंच बनाते हैं 42 किचन में 14 स्टेट में और इस तरह से ये बनता है, इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल होता है, इस तरह से इसकी डिलीवरी होती है, तो हर स्लाइड कवर पर हमारे मुख्यमंत्री के कम से कम 1-2 सवाल जरूर थे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है या इससे बेटर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा. तो ये बात करते करते इन्होंने कहा कि भाई भोपाल में तो आप जरूर लगाओ 50,000 का, पर मैं चाहता हूं कि एक छोटा किचन आप छिंदवाड़ा में भी लगाओ. तो वहां तो मैं आपको 7-8 हज़ार से ज्यादा बच्चे दे नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ही ये खाना सर्व हो सकता है. ये लोग क्वालिटी कंट्रोल में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. तो वहां से ये शुरू हुआ. उन्होंने चंचलपति जी को इंसिस्ट किया कि आप लोग स्टडी करो छोटा किचन कैसे बनता है, उसका कॉस्ट क्या आएगा. इनके सबसे छोटे किचन करीब 25,000 के हैं. तो वहां पर इन लोगों ने 2 बार अपनी टीम भेजी, सब स्टडी किया और अंत में इन लोगों ने उसको डिजाइन करके एक 7,000 का किचन बनाना सीख लिया. तो ये देन हमारे मुख्यमंत्री की है. अब शायद साथ-साथ 10,000 किचन, साथ-साथ 10,000 खानों के लंच के किचन शायद अब छोटी छोटी जगह अपने आप लगने लगेंगे. तो 15 दिन पहले हमने छिंदवाड़ा में ये किया था और आज 15 दिन बाद हम आपके सामने यहाँ भोपाल में खड़े हैं.
यहाँ पर करीब 50,000 मील बनेंगे. जैसा हमने बताया कि करीब 921 स्कूलों में ये करीब 50,000 बच्चे होंगे और सुबह 10, 10:30, 11 के बीच में ये मील्स उनको डिलीवर हो जाएंगे. अभी मुझे 15 दिन पहले मौका मिला जयपुर जाने का. जयपुर में इनका एक 1.5 लाख मील्स का किचन है, तो मैं वहाँ गया, उनसे बात की, उनका देखा किस तरह से चलता है. तो मेरे स्वाभाविक रूप से मुझे एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि यदि आप 7 बजे खाना बनाते हो, 11 बजे डिलीवर होता है, तो ये तो ठंडा हो जाता होगा, बासी हो जाता होगा. तो बोला इन्होंने कहा नहीं, हमने इसको इतनी मास्टरी कर ली है, क्योंकि 20 लाख लंच बनाते हैं सारे कंट्री में, तो इनके जो टिफिन्स हैं और जो ट्रक्स हैं, जिस तरह के ट्रक्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं टेलर में, इसमें वो खाना जब सर्व होता है 11 बजे बच्चों को, तो मुझे बताया गया कि वो 65 डिग्री पर सर्व होता है. तो एज अ लेमैन मुझे तो समझ में नहीं आया 65 डिग्री का माने क्या होता है. तो मैंने पूछा भाई इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बताओ 65 डिग्री का माने क्या हुआ. तो उन्होंने कहा भाई 65 डिग्री में यदि आपको खाना सर्व किया जाए किसी रेस्टोरेंट में, तो आप 3-4 मिनट खा नहीं पाओगे, वो इतना गर्म होता है. तो उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि 50,000 तो एक छोटा किचन है. अभी आपने देखा इनके दो किचन 2-2 लाख के हैं, तो 2 लाख लंच बनाना 4-5 घंटे में रात में है, और अगले 3-4 घंटे में 2 लाख बच्चों तक पहुंचाना, ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कितनी बड़ी दुविधाएं रस्तों में आती होगी, कितना एक्सपीरियंस इन लोगों का है. और वो खाना एकदम गर्म से गर्म 10, 10:30 बजे डिलीवर हो जाता है, और शाम को सारे वो टिफिन, सारी कटलरी, क्रॉकरी सारी वापस आ जाती है, यहीं पर आएगी भोपाल में. अब शाम को उसकी सफाई होती है और सुबह फिर ये रिपीट हो जाता है. तो हमारे सौभाग्य है कि चंचलपति जी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने मोटिवेट किया, हमको ये मौका दिया कि 2 किचन यहाँ बने. और अभी तक हम लोगों का टारगेट यही है कि जुलाई अगस्त के बीच में किसी समय जब ये स्कूलें खुलेगी समर वेकेशन के बाद, तब तक ये दोनों किचन शायद चालू हो जाएंगे, और अगस्त से शायद हमारे ये काम चालू हो जाएगा. और इस ज़मीन के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ. हमने यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर एकदम एक किसी गांव में एक ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली थी और हम काम शुरू करने चाहते थे, उसी समय ये MOU हुआ. तो अगले 3-4-5 दिनों में हमारे यहाँ फ़ोन आया आपके गवर्नमेंट के ऑफिस से कहीं से, साहब वो जगह तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, 20-30 ट्रक आप रोज लेकर जाओगे, शहर के बीच में है, आप अभी 10 दिन वेट करिए, हम आपको एक बढ़िया जगह आइडेंटिफाई करके देंगे. 15-20 दिन के अंदर उन्होंने हमको ये ज़मीन दिखाई, जो ऑब्वियसली उस ज़मीन से 10 टाइम्स बेटर है, 10 टाइम्स बेटर लोकेटेड है, ज़्यादा सेंट्रल होने के कारण हम 20 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, 20 किलोमीटर उधर भी जा सकते हैं, जो वहाँ पॉसिबल नहीं था. तो ये एक बहुत एक्टिव सरकार है, एक बहुत एक्टिव सरकार की नियत है. हर चीज़ एक बार यदि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि होनी है, तो हो जाती है. मेहनत हो, मैंने आगे पीछे हो जाए, पर मैंने कहीं भी ये कभी देखा नहीं कि सरकार के लोग खुद आकर आपको बोलें कि हम आपको ये ज़मीन 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये महीने में एक नॉमिनल फी के ऊपर हम आपको दे रहे हैं, आप काम करेंगे, वहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा लो. तो हम लोग तो खैर 40 साल से यहाँ हैं, हम लोगों को तो मध्य प्रदेश का पूरा एक्सपीरियंस है. 40 साल में हमने कभी भी कहीं भी ऐसा हमको मौका नहीं मिला कि कोई कंप्लेन कर सकें. तो ये मैं हमारा एक्सपीरियंस जो अभी पिछले 2-3 महीने का इस दूसरे एक दायरे का बिजनेस का हम लोग का एक्सपीरियंस था. अब इसमें जो हम लोगों को एक्सपीरियंस मिले हैं पिछले 6-8 महीने में, एकदम अद्भुत हैं. मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, तो 2 शब्द मैं और बताना चाहता हूँ. अगले 3 साल में, जैसा आप लोगों को सबको पता है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि हर कंपनी को उसके प्रॉफिट का 2% CSR बोलते हैं, जिसको ये लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR में 2% आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें हमको टैक्स की छूट मिलती है.
तो हम लोगों ने अगले तीन साल में तीन चार चीजें हाथ में ली है, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है अक्षय पात्र। तो अगले तीन साल में हमारा जो टोटल बजट है सीएसआर का सिर्फ मध्य प्रदेश का, वो करीब करीब 50 से 55 करोड़ रुपए का है। तो करीब 15 करोड़ रुपए तो हमारे यहाँ और छिंदवाड़ा के किचन में लगेंगे, करीब 10 करोड़ यहाँ लगेंगे, 5 करोड़ छिंदवाड़ा में लगेंगे। उसके बाद तीन साल में सरकार से 6 से 7 रुपए पर मील पर डे मिलते हैं सब्सिडी, इनका कॉस्ट करीब 12-13 रुपए आता है। तो जो 6-7 रुपए की जो गैप है, इसको हम लोग जैसों को किसी को भरना पड़ता है। तो 50 से 55 हजार मील्स, करीब 225 दिन स्कूल खुलते हैं, उसमें 6-7 रुपए का मतलब होता है करीब करीब 22-23 करोड़। तो 22-23 करोड़ तो हमारा अगले तीन साल में खर्चा होगा खाना बनाने का, डिलीवर करने का। करीब 15 करोड़ खर्च होगा इन दोनों किचन में। इसके अलावा हमने 6 महीने पहले एक बहुत ही अनोखा काम ट्रायल पे किया था, जो बहुत अच्छे से चल गया है। शायद मुख्यमंत्री को मैंने कभी बताया होगा, शायद उनको ध्यान नहीं होगा। एक संस्था है भरतपुर में जिसका नाम है अपना घर, उसको अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपना घर आश्रम कह दिया है। उसमें सिंपल लैंग्वेज में वो ये करते हैं कि हम जो आते जाते सड़क पर लोगों को पड़ा हुआ देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई युवक हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे बूढ़ी माँ हो, उनको वो तुरंत अपने एम्बुलेंस में भेज कर लाते हैं, उनको उनकी पूरी टेस्टिंग कराते हैं, उनकी यदि कोई दवा दारू करनी है वो करते हैं, सर्जरी होती है तो सर्जरी कराते हैं। और अल्टीमेट एम उनका ये होता है कि इस युवक को या इस बच्चे को इस फैमिली से, अपनी फैमिली से कैसे जोड़ा जाए। उसके लिए इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप कलकत्ते में है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो उसके थ्रू ये चेष्टा करते हैं कि इसकी फैमिली को लोकेट किया जाए। पर पिछले 6 महीने में हमारा ये एक्सपीरियंस है कि करीब करीब 10 फैमिलीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, और जब उनको हमने बताया कि भाई आपका भाई, आपका बेटा, आपका चाचा यहाँ है, हमारे यहाँ है, मिल गया है, 8 ने तो उनको पहचाने से इनकार कर दिया, ये तो हमारा चाचा है ही नहीं, ये तो हमारा भाई है ही नहीं, उनको ले जाना नहीं चाहते हैं, उस पर खर्चा होगा वो नहीं सहना चाहते हैं। पर 2 फैमिलीज आई, एक केस में 3 भाई उसके 3 अलग अलग शहरों से आए और बहुत खुशी से उसको अपने घर में लेके गए। तो ये वो काम करते हैं। और जो बाकी 8 हैं, वो जब तक हम चेष्टा करते रहेंगे, जब तक उनकी फैमिली नहीं मिलेगी, वो हमारे यहीं रहेंगे। तो भरतपुर में एक आश्रम में करीब करीब आज के दिन 3200 इस तरह के लोग हैं। फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल है, फुल फ्लेजेड लॉन्ड्री है, स्कूल है, कॉलेज है। अब वो स्कूलों में जाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो हमने 50 आदमी से शुरू किया था यहीं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक रेजिडेंशियल एरिया में। तो 3 महीने के अंदर अंदर वो 50 तो भर गए, मतलब विद इन 3 मंथ्स हमने 50 लोगों को यहाँ वहाँ से ले आए, और 2 को हमने अपनी फैमिली से जोड़ दिया। अब जो भी लोग 50 के ऊपर आ रहे हैं, उनको हमें भरतपुर भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो अभी हमने भेल के कॉम्प्लेक्स में, उसी एरिया में, एक करीब 1/2 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट की, वहाँ एक शेड बना हुआ है। अभी हम लोग सब देख कर आए थे, हम लोगों ने सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हमको वो जगह दे दी जाए, चाहे भाड़े पर दे दें या फ्री दे दें, कैसे भी दे दें, तो वो 1/2-1/2 एकड़ जगह हमको दे दी जाए जिसमें एक शेड बना हुआ है। तो उसमें एक शेड और बना लेंगे, तो वहाँ ये काम 200 लोगों पर जा सकता है। तो भरतपुर में यदि 3200 लोग हो सकते हैं, तो यहाँ 200 से हम शुरू करना चाहते हैं, 50 से चालू कर दिया है। तो कागज बढ़ रहा है, अगले महीने भी इसी में हमको अप्रूवल मिल जाएगी, इमीडिएटली फिर हम उसको वहाँ जो भी हमको बनाना है बनाएंगे। तो करीब 6-7 करोड़ रुपए का खर्चा वहां पर है हमारा अगले 3 साल का। और तीसरा, सीएम को मैंने मिलाया था, एक अद्भुत व्यक्ति है बंबई में, मयंक गांधी बोलकर, जिसने पूरी जिंदगी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, और करीब 6-7 साल पहले उसने बोला कि दैट्स इट, मैं अब ये सब काम नहीं करूंगा, मैं सोशल काम करूंगा। तो उसने महाराष्ट्र की जो सबसे पुअरेस्ट एरिया है, मराठवाड़ा की एक एरिया है लातूर बोल के, जहां कुछ लोगों को आपको याद होगा बहुत बड़ा भूकंप आया था 7-8 साल पहले, तो सबसे पुअरेस्ट एरिया है,
तो उसमें उसने चार साल से काम कर रहा है और अब चार साल के बाद उसने करीब करीब 3000 एकड़ में करीब 300 फार्मर्स को मोटिवेट करके करीब 12 लाख बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ट्रीज प्लांट किए हैं और उसने उस प्रूव कर दिया है कि जिस फार्मर को एक एकड़ में 20,000 रुपए की इनकम होती थी साल की, वो 2 से 2.5 लाख हो गई है। ये इस्टेब्लिश हो गया, ट्रायल वगैरह कुछ नहीं है, ये इस्टेब्लिश है। कुछ जो बेटर एरिया है जहाँ 50,000 रुपए कमाता था एक एकड़ में, वो 50,000 रुपए 8 से 10 लाख रुपए हो गया है। तो अब ये काम हम यहाँ चालू कर रहे हैं। मयंक से सीएम 3-4 बार मिल चुके हैं, मैंने सुना कल वो फिर आ रहे हैं बेटा इनसे मिलने। तो हमने सांची और विदिशा और यहाँ अब्दुल्लागंज हमारे हमने चूज किया है एग्रीकल्चर एरिया को। करीब 60 सीनियर फार्मर्स वहाँ लातूर में जाकर देख कर आए हैं कि वहाँ पर क्या चमत्कार किया इस आदमी ने। अब वो 600 में 6000 में उसकी चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इस मॉनसून में जून जुलाई के अंदर अंदर हमारा प्लान है कि करीब करीब 8 से 10 लाख ट्रीज, और ये बहुत महंगे ट्रीज और बहुत महंगे फल और सब्जी के ट्रीज हैं, जिनके कारण इनकी इनकम 10 टाइम्स से 20 टाइम्स, 20,000 से 5,000, 5 लाख, 40-50,000 से 10 लाख इस तरह की हो गई है। तो यहाँ भी हो जाएगी। तो ये 3-4 चीज मिलाकर करीब करीब 50 से 55 करोड़ रुपए का हमारा बजट है अगले 3 साल में। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी कंपनी ठीक ठाक चल रही है। वो 2% हमको खर्च करना पड़ रहा है। पहले तो हम लोग को बहुत जोर आता था, बहुत तकलीफ होती थी ये खर्च करने में, पर जैसे जैसे इसमें आदमी इन्वॉल्व होता है और ज़्यादा धंसता जाता है। तो अब तो मुझे मेरे ऑफिस वाले ये कंप्लेन करने लगे कि आप हम लोगों से अपना घर और मयंक गांधी और अक्षय पात्र की बातें ज़्यादा करते हैं, उसके कागज़ ज़्यादा बनते हैं, काम की बात थोड़ी सी कम बाद में होती है, सेकंड प्रेफरेंस होती है। ठीक है, जो भी है, जिस भी चीज़ में जिसको मज़ा आता है, हमारे पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रहे हैं। अब मेरा काफ़ी समय मैं इसमें जा रहा है और बहुत खुशी से जा रहा है। मुझे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि 2% करना है तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इन जैसे लोगों से जुड़े हैं, मयंक आदि जैसे लोग हमको मिल गए हैं। अपना घर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको सब कुछ बताया, तो हमें ये बहुत खुशी होगी कि ये 50-55 करोड़ रुपये हमारे जो खर्च होंगे किसी नीचे तबके के लोगों के पास जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। एक अपना घर टाइप की चीज़ एकदम अलग है, ये गरीब बच्चों को खिलाने की बात है, वहाँ किसानों की इनकम बढ़ाने की बात है। तो स्वामी जी पिछली बार हम लोगों की बहुत बढ़ाई कर रहे थे, तो बस हमारी देन तो इसमें यही है, हम तो खाली रुपया दे सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब आगे जो भी होगा, अब इनके जुम्मे हैं, अच्छा होगा तो इनको आप दीजिएगा, कुछ खराब होगा तो आप इनको कंप्लेन करिएगा, हम तो खाली रुपया दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रवि झुंझुनवाला जी। मित्रों, हम